सो लेट्स सी, अब हम फ्लाइट पाथ की बात करेंगे इमीडिएटली। एंड फ्लाइट पाथ की अगर हम तरफ जाए तो जॉर्जो पुल से लेके मिलिट्री बेस तक फ्लाइट पाथ जाते हुए बाकी प्लेस को ट्रैक कर पाए। मीनवाइल फनेटिक कैश ने एलएस के इग्नाइट को नॉक किया। एलएस को काफी जल्दी रोटेट करते हुए नैश ने कंफर्म कर लिया एलएस इग्नाइट लूजर को। इन्फिनिटी के पास आ चुका पहला किल, गेम का फर्स्ट किल अगर आप बोलोगे, क्योंकि वहाँ पर नॉक फर्स्ट अलग था बट वो किल अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। पर चलेंगे फिर मैहम के टीम के ऊपर, मैहम के टीम के बंदे उसको बचाने के लिए आते हैं कि नहीं। आ चुके हैं बिलीव एंड बचाने के लिए, अभी बचा लेंगे। बिलीव भी आपसे रिट्रीट किए थे क्योंकि उसके पास गन्स वगैरह नहीं थे एंड इसके कारण वो ऐसे रिट्रीट कर गए थे। बट हमें ब्रॉलर्स की टीम ने सोचा होगा कि यहाँ पर वो टीम्स आ चुके हैं, अपने टीम को बचा भी चुके हैं, उसके पास गन्स वगैरह भी है एंड यहाँ पर न्यू वगैरह फ्लैंकिंग करते हुए एंड यहाँ पर टी एस एम एन टी डी वर्सेस टीम टेमिलियस का अर्ली फाइट देखने को मिल रहा है। या बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें टीएसएम वर्सेस एंड रेवन, ये दोनों फायर टीम काफी बार इन दोनों फाइट देखने को मिला है। एंड यहाँ पे रेवन टीम बहुत ही गलत बैकअप कर रहे हैं उनके सामने जोनाथन, एंड ऑब्वियसली जोनाथन को करेंगे। रेवन टीम ने अपना कंपोजर और फॉर्म पूरा खो बैठा। अगर आप स्पार्की भाई देखोगे लास्ट काफी टाइम से इनके टूर्नामेंट्स में हमें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है जो एकदम स्टार्ट में देखने को मिला था। यहाँ पे डेफिनेटली यू नो रेवन टीटी कंप्लीट ऑफ हो जाएगी। मेंटी अकेले पूरे टीम का फिर से बाहर उन पे आते हुए एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर रेवन टीटी आई डोंट थिंक दे गोना सर्वाइव दिस वन। 1v4 का सिचुएशन है, क्या मेंटी यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, एक भी बंदे को क्लियर कर देता है तो वो उसके लिए अच्छा है, एक किल पॉइंट ले सकता है। बट यहाँ पर टी एस एम एंटी को देखोगे तीनों के तीनों बंदे अलग साइड से पुश करते हुए रेड गॉड यहाँ पर नॉक हुआ एंड मेंटी को पीछे से यहाँ पर क्लियर आउट कर देंगे नियो। एंड वही दलजीत क्लोजिंग इन सेवन सेवन काफी अकेले ऑफ गार्ड पक गया है टीम धावा बोलते हुए। आई डोंट थिंक सेवन यहाँ से ड्राइव करेगा, टीम इसको घेर रहे हैं। एट बिट का बहुत ही वीक लोकेशन पूरी तरीके इन लोग स्प्रेड आउट थे, स्प्लिट थे एंड ऑब्वियसली दे पेड द प्राइस। यहाँ पर एडमिट के रिमेनिंग दो बंदे चले जाएंगे, बट जाइडोकोट को गाड़ी के अंदर स्मोक के अंदर दलजीत ने एक हेडशॉट लगा चुका है। जो रिट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी रिट्रीट नहीं कर सकते। मावी यहाँ पर आ चुका है, 1v1 का सिचुएशन है। मावी वर्सेस अक्षु एंड अक्षु अगर यहाँ पर खत्म हो जाता है, अगर मवी को भी नॉक कर देता है बट वो क्लियर हो सकता है। यहाँ पर मवी अकेले पीछा करते हुए वो मार्कोस गेमिंग वर्सेस फिनेटिक फाइट हो जाए, फिनेटिक के फ्रैंकी को क्लियर आउट कर दिया गया है। मवी यहाँ पर अकेले पुश कर रहा है 8 बिट के अक्षु के ऊपर 1v1 एंड यहाँ पर कार चेस देखने को मिल रहा है अर्ली ऑफ द गेम। सही कहा आपने, यहाँ पे एक किल डेफिनेटली इन लोग और लेना चाहेंगे अपने नाम पे। मीनवाइल वहाँ पे सूर्या ने स्काउट को पिक ऑफ किया एमजेड के कैंपर होते हुए अक्षु को यहाँ पे नॉक देना चाहेंगे एंड यस दलजीत वहाँ पे मवी वहाँ पे कंफर्म करते हुए एंड फॉर नाउ एमजीजेड के द डू फनेटिक को वेस्ट को पिक ऑफ किया एंड आई थिंक 10 वर्सेस आई थिंक 4 किल यस पूरी फनेटिक के यहाँ पे वाइप आउट हो गया। वहाँ पे मीनवाइल पीएच के ज़ेब्रा ने सेल्स के अल्ट्रॉन को कंफर्म किया। सिनर्जी जो कल बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाए थे यहाँ पर उन लोगों की टीम से फिर भी जाए आईजीएल ऑफ द टीम यहाँ पर नॉकआउट हो चुके, उसको क्लियर आउट करने की कोशिश किया जा रहा है। बट यहाँ पर कवर फायर आते हुए स्ट्राइडर यहाँ पर डायरेक्ट क्लोजिंग कर रहा है बट इवोक इस पोजिशन में है, इवोक 1v1 सिचुएशन है। यहाँ पर जो नॉक होगा उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा। यहाँ पर स्ट्राइडर नॉकआउट हो चुका है, पीछे से ऑस्टिन यहाँ पर जेकल लेके आया बट ऑस्टिन यहाँ पर बच सकता है कि वो देखना पड़ेगा एंड पीछे से वहाँ पर महम का स्क्वाड पीछे से बैक स्टेप कर रहा है। एलिमेंट का गब्बर वहाँ पर पावर हाउस के डार्क के द्वारा नॉक एंड फ्रोस्ट उस नेट के द्वारा खत्म होते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, सिनर्जी अब एक ऐसी टीम हो गई है जो कैसे भी फाइट्स हो, क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज फाइट हो, इन लोग पुट डाउन नहीं करते। इन्होंने काफी अपने आप को बहुत सही से प्रिपेयर किया है, स्ट्रेटेजाइज करके वहाँ पे इवोक ने ऑल द हालांकि बॉट ऑस्टिन बॉटेक्स को पिकऑफ किया। यहाँ पे टेड अकेले पे पूरा भार आते हुए एंड 1v3 सिचुएशन बन जाता है टेड जी के लिए अगेंस्ट 7S। 7S की लाइनअप जिक्सा, इवोक और विशियस कोशिश करते हैं पर डेफिनेटेड यहाँ पे कंफर्म होंगे एनएसजी फर्स्ट गेम में जल्दी होते हैं बट स्टिल पॉसिबल में लोग काफी ऊपर होंगे इस बार की बट इस साइड लोग बच जाएंगे। पर यहाँ पे मेगा के पैराडॉक्स के पीछे शॉट्स आते हैं, वहाँ पे एक नेट करने की कोशिश एलिमेंट के आईटी प्रिंस को आई थिंक एक रिवर्स नेट है इन पे पैराडॉक्स के राइट पे एंड यहाँ पे एक अच्छा 4v3v4 की फाइट है बिटवीन मेगा पीएच एंड एलिमेंट। यहाँ पे पीएच अभी हील करने में बिजी है एंड वहाँ पे स्वैग ने ज़ेब्रा को पिक ऑफ किया एंड नोवा किंग को कंफर्म किया नाइक मनिक अकेले बचते हुए। आई थिंक मेगा को यहाँ पे पुश करना चाहिए आइकॉनिक पे, अभी आई थिंक पुश आ सकते हैं मेगा शार्क की तरफ से एंड मेगा शार्क के चारों को चारों बंदे यहाँ पर पुश कर सकते हैं। पर मार्कोस गेम के सूर्या को क्लियर आउट करते हुए एलएस के अर्थ पीस एंड पावर हाउस का ज़ेब्रा भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। पूरा पावर हाउस खत्म है नहीं, एक ही बंदा खत्म है, एक ही बंदा बचा है मैं बैट पर आइकॉनिक एंड आइकॉनिक यहाँ पर पुश करने की कोशिश करेगा। एलिमेंट का स्पॉट पीछे से रोटेशन देकर रिट्रीट कर चुके हैं मेगा शार्क
यहाँ पर इजी पीजी दो किल्स निकाल चुका, बट पावर हाउस आइकॉनिक को अभी पूरा का पूरा 1v4 पुश आने वाला है एंड भाई के लिए बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। हम लोगों को पता है आइकॉनिक क्लच कर चुके हैं बहुत सारे, बट यहाँ पर मेगा शर्क के खिलाफ फर्स्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नेड आते हुए पूरे स्पोर्ट को नेड से ही खत्म कर दिया था भाई, गॉटलेक ने एक रोटेशन दिया यहाँ पर गेट कीपिंग करने की कोशिश करेंगे पीछे से आ जाएंगे। यहाँ पर टीएसएफ एंटी के लिए भी खतरा आ चुका है, 2v4 का सिचुएशन है। नियो ने एक फ्लैंक मारा पीछे से इवो को यहाँ पर पिकअप करते हुए, यहाँ पर नियो एक और नॉक पिकअप कर लेगा, दो बंदे यहाँ पर है पिकअप, यहाँ पर एक बंदे का पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। अभी एनएच भी है यहाँ पर, दो बंदे के ऊपर दो साइड से पुश किया जाएगा, पर जॉनाथन यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है। नियो आखिरी बंदा है, नियो यहाँ पर क्लियर आउट होते हुए वीएसजी क्रॉलर्स यहाँ पर बच गए हैं। एचबी का एचपी देखो लिटरली 50 एचपी हो गया था, बट यहाँ पर दो एंगल से जो पुश था टीएसएम एनडीटी का वो बहुत ही प्यारा था, करना मुश्किल होगा बट वो लोग डैमेज कर सकते हैं। पर डैमेज करने के लिए एमवाईएम पे आ चुकी है मेगा की टीम, तो आई डोंट थिंक एनटीएच को इतना दिक्कत होगा। पे इमॉर्टल को पिकअप किया स्वैग ने एंड बिलीव यहाँ पे जाएंगे बाकी प्लेयर्स है, वहाँ पे पीछे सेल्स के प्लेयर्स भी आ रहे हैं एंड आई गेस यहाँ पे कंफर्म कर लिया मेगा नहीं बच गए, बिलीव वहाँ पे आ रहे थे अंदर बट नो, वहाँ पे एनकोर का कवर फायर आया एंड यहाँ पे मेगा की टीम सर्वाइव करते हुए, सेल्स की टीम शायद थर्ड पार्टी कर सकती है। भाई आपको एक बार काटना चाह रहा हूँ, गलती मतलब गलती माफ करना, बट वहाँ पर रेड जोन ने फिर से नॉक किया, आज भी रेड जोन नॉक रुकना नहीं चाहते हैं, क्रॉन्टन रेड जोन के डैमेज के नॉकआउट हुए भाई, रेड जोन कुछ गलत और मवी को भी नॉक करते हुए एंड रेड जोन लास्ट दो देख रहे ज्यादा ही इम्पैक्ट करे, वहाँ पे एलिमेंट के आईटी प्रिंस गिर के मरते नॉक होते हुए एंड यहाँ पे कुछ यू नो गेम में थोड़ा सा वियर्डनेस और फनी सिचुएशन आते हुए कि स्कोप ग्लिच है, लेकिन यहाँ पर मैच क्लोजिंग करते हुए एक नेट करने की कोशिश करेगा, ये नेट कनेक्ट होता है कि नहीं देखना पड़ेगा या पेड़ से बम्स होकर कहीं और पर चला जाएगा, दो जंप नेट गया बट इनको यहाँ पर मैचेस को नॉकआउट कर देंगे, ऑलमोस्ट नॉक था एट लास्ट नॉकआउट हो चुके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं MGZ वर्सेस मेगा MGZ के प्लेयर पुश करना चाहेंगे, एनकोर को काफी अच्छा धूप में शॉट करने की कोशिश की बट वो हल्का सा मिस किया एंड आई गेस यहाँ पे डेड उठ के लिए 1v3 एंड उल्टा भाग रहे हैं, नॉट रियली अ गुड आइडिया ऑनलाइन के पास बहुत ही प्यारा जोन है एंड वीएसजी क्रॉलर्स से इवो वहाँ पर खत्म होता है वीरू का नेट के दौरान, हम सबको पता है वीरू बहुत ही ओपी नेट करता है, बस स्नैक्स ने पुश करने की कोशिश, मेगा इनकोर ने फिनेटिक के परितोष को नॉक किया जो गॉड एल की टीम के साथ खेले बट ये नेट कनेक्ट नहीं होगा, मेगा सर के ऊपर चलेंगे क्योंकि मेगा सर आज 4% 12 किल्स है उन लोगों के पास एंड दो बंदे भी हार नहीं मानना चाह रहे, अभी भी फ्रैगिंग करके ही एंट्री कर रहे हैं जोन के अंदर, दैट इज रियली वेरी वेरी गुड। ये बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे मेगा के ऑन फोर पे डैमेज आया एंड ऑब्वियस जोन शायद नीचे जाएंगे बिकॉज सामने पूरी बैटल की स्क्वाड है, यहाँ पे स्नैक्स नॉक आउट आई एंड टीम जोन के टाइम पे रोटेट नहीं करता है, कंफर्म हो जाएंगे पूरी स्क्वाड, अच्छा नहीं पूरा स्क्वाड नहीं हुआ है प्लेयर ने मेक इन किया बट यहाँ पे एलएस के प्लेयर उनको फिनिश किया आ चुके हैं, लास्ट तीन टीम 2v3 का सिचुएशन गॉडल वर्सेस एलएस वर्सेस आई गेस इसको वन की तरफ से अलाइव है करेंगे टर्न पार्टी करने का गॉडल और एलएस के फाइट में, यहाँ पे एग्जिस्टेंस और डैमेज एमके है जो कि फिलहाल पे गन ग्लिच्ड है, यहाँ पे स्किल लेने की कोशिश वो नेट गया गिल की तरफ से, नेट से यहाँ पर बोपटॉप नॉकआउट हो चुका है, एलएस की तरफ चलेंगे, एलएस से हर्टपीस है एक और नेट दे रहा है अनुभव पर उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज, हर्टपीस यहाँ पर 10 HP है वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा, अक्षत बचे अक्षत आई डोंट थिंक यहाँ पर सर्वाइव करने वाला है, उसको हील करने का भी टाइम नहीं मिलेगा एंड पीछे से ओआर कभी भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एंड वही पीछे से गॉडल एक्जी को डैमेज दिया जा रहा है ओआर की टीम से, एलएस की टीम से अक्षत यहाँ पर बच जाएंगे, जब स्मोक हटेगा तो बैकस्टेप करेगा, एक नहीं दो नॉक भी करते हैं अक्षत इस पोजीशन में, ओआर के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा चांस खोल दिया है, गॉड लेग को क्लियर करके चिकन ले जाने का, दो नॉक है इन लोगों का किल फीड रेट करके पुश कर देना चाहिए बट देना चाहिए लिटिल 1 एचपी के साथ है, यहां पर क्रॉन्टन डैमेज देने की कोशिश बट क्रॉन्टन को भी अच्छे खासे डैमेज पड़ा है, यहां पर क्रॉन्टन प्ले जोन का डैमेज अगर नॉकआउट हो जाए गिल भी यहां पर क्लियर आउट हो सकते हैं, एक जी भी गए गॉड एल का स्क्वाड से सिर्फ गिल बचा है 1v4 आई डोंट थिंक ये हो सकता है, दलजीत और वीरू तीनों ही बचे हैं 1v4 है गिल के लिए, यू नो गिल के पास वो कैपेसिटी है कि 1v4 करे, यहां पे मजीद पिकअप किया पर एक नेट आया आई थिंक बिल्कुल गिल के ऊपर है, एक नेट तो एकदम उसके सामने है, ही नीड्स टू हील अप इफ पॉसिबल बट नो वीरू ने स्पॉट किया, यहां पे एक बेहतरीन चिकन डिनर ऑरेंज नॉक के लिए
बहुत प्यारा चिकन गन लेके गया है 6+3 9 किल के साथ। बट वहाँ पर गॉडल गिल ने बहुत सही किया, उसने एक किल कन्फर्म करके लेके, एक किल पॉइंट भी हम लोगों को पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवर इतने लंबा टूर्नामेंट में जहाँ पर हमें जाता है। दैट इज सिनर्जी, फिर INDIE लॉस रेड के आउटस्कर्ट्स पे, फोटो प्रोड्यूसर से मार्कोस गेमिंग, फिर चुम्मच सड़क पे जैसे हमारे सेल्स एंड फिनेटिक टीम्स जाते हैं, दोनों के लिए अच्छे हैं। ये सारे टीम्स के लिए रोटेशन ईजी होने वाला है। बट जो टीम्स ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे लाक ओबेडिया, टोरे अमुदा, कैंपो मिलेटर, एल हजार, हशी अंडा जैसे NTD जाते हैं, ये सारे टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है ये फ्लाइट पर। आई गेस यहाँ पे एक स्मोक आया होगा मोस्टली, नो इट्स लेट वहाँ पे आर्टिमिन ने विशेष कोई पिकअप किया, 4v2 सिचुएशन। आई थिंक LS यहाँ पे 7S से बेटर हो जाएगी एंड यहाँ पे लोग गाड़ी से गिर के नॉक। यहाँ पर इवोक एंड जिक्सो बचे, दो बंदे बचे, 7-6 के पूरा का पूरा लेग स्टंप का लाइनअप उन लोगों पर पुश कर सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके एंगल बनाकर पुश किया जाएगा। एंड यहाँ पे मनु आई गेस ये 4v2 का सिचुएशन है, डेफिनेटली 7S के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। LS जैसे स्पॉट गैप पर वहां से राइट से एंगल बनाते हैं, वो लोग काफी लो है, इवोक एंड ऑब्वियसली बचना इम्पॉसिबल। आई थिंक वो काफी खराब डिसीजन था वॉल पे आना, स्पेशली जब आपको सामने वाले ओपोनेंट्स के पोजिशन नहीं पते नहीं पता एंड ऑल्सो वहां पे उनको फुटस्टेप सुनाई नहीं दिया बोप डोप का। डेट वॉज ऑल्सो यू नो बियर्ड क्योंकि वो काफी प्रोन थे, मूवमेंट दे रहे थे, प्रोन थे लेकिन मूवमेंट दे रहे थे तो उनको सुनाई देना था। तीनों प्लेयर आते हुए यहाँ पे एंड ऑब्वियसली इजी स्क्वाड वाइप, LS अपने नाम पे 4 किल लिखते हुए 3v3 आई गेस नहीं 4v3 है, वहाँ पे एक प्लेयर उनका एश जो है वो काफी पीछे रोटेट कर चुका है। जो अभी क्लियर अगर कर लेते हैं तो एक चांस हो सकता है उसके लिए, एक किल पॉइंट ले सकते हैं। बट अभी पूरा फिनेटिक का स्क्वाड पुश इन करेगा, यहाँ पर आतंकी को बचा नहीं पाया, MJ थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक MJ बचने वाला है। फिनेटिक फ्रैंकी कमिंग अप विद दैट 4 फ्रीकिंग किल्स ओवर दिस फाइट, चारों के चारों किल्स उसने अकेले लिए हैं एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस फिनेटिक की तरफ से देखने को मिला। NTD इजी किल्स निकाल सकते हैं एलिमेंट के ऊपर से, अल्ट्रॉन यहाँ पर हाइट से नोटिस पे आएंगे, यहाँ पर इजीली नॉकआउट हो जाएंगे। फ्लैंक पता था बट वो फ्लैंक रोकना भी पॉसिबल सिचुएशन भी नहीं था। खाते कवर क्लोजिंग करते हुए बीओ के ऊपर नॉकआउट करते हुए प्रिंस ने बहुत ही अच्छा कवर फायर में यहाँ पर नॉकआउट भी रोक दिया। प्रिंस यहाँ पर क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर सामने आकर देखोगे मेगा स्टार का स्क्वाड भी पीछे थर्ड पार्टी करते हुए देखने को मिला, जहाँ पर भी गन का साउंड उन लोगों को सुनने में आ रहा है वो लोग डायरेक्ट थर्ड पार्टी किए जा रहे हैं हर जगह पर। यप आई गेस यहाँ पे बहुत ही प्यारा नेट था घातक भाई का, आई थिंक सब सारा था इन्होंने नेट के यहाँ पर देखोगे उधर BSC कॉलर्स का फाइट हो रहा था, मार्कोस गेमिंग भी यहाँ पर 8-bit अक्षु यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर फाइट पे थोड़ा बहुत किल्स वगैरह सिक्योर करना चाहेंगे, बट वो देखते हैं एंगल मिलता है कि नहीं। और BSC कॉलर से एक बंदा नॉक है, अक्षु कार्नेट का शॉट देखे यहाँ पर हेडशॉट आता है कि नहीं देखना पड़ेगा एंड बहुत ही प्यारा अक्षु का कार्नेट का हेडशॉट आते हुए BSC कॉलर के रोज को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए एंड ऊपर से एक नेट गया, क्या ये नेट कनेक्ट होगा ज्यादा ही कुक था महम का पूरा स्क्वाड यहाँ पर पूछ करके वहाँ पर मार्कोस गेम के सूर्या ने BSC कॉलर के CG को नॉक एंड फिनिश करते हुए कवर फायर आ सकता है। द डूड ओवर इको पर करते हुए यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है, लोगों का नेट है क्योंकि जो गेम प्ले दिखाया फ्रैंकी ने दैट वाज ओपी। बट एश का कवर फायर देखो महम के पूरे स्क्वाड को क्लियर करते हुए यहाँ पर फिनेटिक के पास आ चुके हैं 8 किल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस 8 किल आ चुके हैं। नोटिस किया था कि MTZ काफी जोन के बाहर से आ रही थी पर यहाँ पे सूर्या 7 को पिकअप करते हुए पर वहाँ पे अच्छा कवर फायर आया फौरा चेंज इक्विपनेस कवर फायर देते हुए एंड वहाँ पे MTZ के मैक्सकाश को अकेले बचे या सिंगल आउट हो गए एंड वहाँ पे अक्षु को पिक ऑफ करने की कोशिश मैक्सकाश के लिए 1v3 सिचुएशन। अक्षु काफी ओपन से आते हुए आई थिंक लेफ्ट से एक प्लेयर फ्लैंक ऑलरेडी कर रहा था एंड यस दैट वाज देयर रिकॉर्ड एंड 8-bit कम टेकिंग 4 किल्स फॉर देमसेल्फ। ट्रबल हो सकता है अगर ऐसा ना हो कि नियो का जो जोन के अंदर रहना है वो उनके लिए काफी एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो ऊपर से फनेटिक डिपेंड वहाँ पे मीन में LS का अक्षत है BLT के ककैरोस को नॉक किया फनेटिक फ्रंकी वहाँ पे डेंजर को नॉक करते हुए फ्रंटेन यहाँ पे आइकोनिक को पिकअप करते हुए एंड वहाँ पे स्काउट BLT के ड्यूस को पिकअप करते हुए एंड फनेटिक यहाँ पे और एक स्क्वाड वाइप के साथ स्क्वाड से भी IS नॉकआउट हो जाएंगे। एश के ऊपर चलेंगे केस लेना चाहेंगे इस पोजीशन नेट करते हुए एंड 8-bit वर्सेस कॉलर वर्सेस फनेटिक यहाँ पर देखने को मिला। अक्षु यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज खाते हुए अक्षु यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा, जायरा गॉड को वहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया, पावर उसके डार्क को ऊपर नेट के द्वारा नॉकआउट हो चुके हैं। 8-bit स्क्वाड
एलिमिनेट हो चुका है। 16 फ्रिकिंग किल्स फनेटिक का स्टैंडिंग राइट नाउ, काउंट ओवर फिर से नॉकआउट हो गए बट वो रिवाइव हो जाएंगे। जोन के अंदर कोई भी स्क्वाड नहीं है, फनेटिक बहुत ही अलग लेवल डोमिनेशन दिखा रहे हैं आज मीना मर के अमर के, बट वो लोग करके गए हैं यहाँ पर। मॉडल के हस्तर ने एक नॉक भी अप किया, मेरे को भी पता नहीं कौन है। गिल जो है वो कॉन्टेंट चला था बट गिल भी खेलते हुए, और फनेटिक ओएस ने नॉकआउट किया एंड इंस्टेंटली एक किल निकालते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। 17 किल्स के साथ फनेटिक का स्क्वाड हैशटैग 4 पे यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। अच्छे नंबर ऑफ किल्स है एंड किल्स का काउंट वो लोग कंटिन्यूसली अपना बनाए रख रहे हैं। नियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोन का डैमेज खाएगा, जोन के अंदर के जाने के टाइम पे उसके पास कवर नहीं है, यहाँ पर नियो नॉकआउट हो जाएंगे। जेड गॉड आई थिंक हिल बैटल कर रहा है, यस जेड गॉड इज गोइंग फॉर द हिल बैटल। गॉड लाइक स्क्वाड सकिंग एक्जी, गॉड लाइक वर्सेस मेगास्टार होने वाला है यहाँ पर। टीएसएम एनटीटी का कोई चांसेस नहीं लग रहा बट गॉडल से यहाँ पर एक्जी का जो फ्लैंक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ऊपर से आते हुए यहाँ पर इनको नॉकआउट करते हुए एक नॉक हो चुका है। वेक्सी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यहाँ पर वेक्सी अगर खत्म हो जाए पहले तो यहाँ पर टीएसएम एनटीटी ऊपर का एक क्वेश्चन ले सकता है। वेक्सी ने एक नॉक भी किया, उधर पीछे टीएसएम एनटीटी जेड गॉड गॉडल का हाथ से शिकार हो चुका है। वेक्सी यहाँ पर 1v1 सिचुएशन है विद हस्टर बट उसका एचपी बहुत ही कम है, वहाँ पर एक्जी को रिवाइव दिया जा रहा है एंड आई डोंट थिंक वेक्सी यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। राइट से ऊपर से पूछ आएगा एंड इजी पीजी मेगा शार्क यहाँ पर क्लियर आउट हो सकता है बस 7 किल्स के साथ, दैट इज गुड एंड वही क्लियर हुआ है। गॉड लाइक चिकन लेके गया, जी जी टीम गॉड लाइक इन चैट एंड जी जी टीम फनेटिक इन चैट एंड जी जी टीएसएम एनटीटी इन चैट, क्योंकि इन तीन चारों स्क्वाड ने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिखा। मेगा स्टार जी जी ऑल्सो होना चाहिए, 7 किल के साथ सेकंड पोजीशन में गया। गॉड लाइक विद 5+4 9 किल्स, एंड अगर प्रिडिक्ट गलत हो जाता है तो जोन के अंदर एंट्री करना इम्पॉसिबल टाइप का सिचुएशन हो जाता है। अगर आप फ्लाइट पैड का देखोगे नाकाम से हाथी की तरफ जा रहा है, 4x4 का मैप है, उसके बाद वाटर टू लैंड रेशियो 3.5 का ऑलमोस्ट आ जाता है। इजीली हर एक जगह पर ग्लाइड करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसी टीम कवर के लिए आपको हमेशा रहेगा। वहाँ पर 8 बीट का 7 नॉकआउट हो चुका है, यहाँ पर 8 बीट का पैदा होगा, फुल ऑन हिप पैड दिया जा रहा है बट वो पीक वगैरह नहीं कर रहे, आएंगे तो नॉक करेंगे। वहाँ पर 8 बीट आई है तो इस तरह से नॉक यहाँ पर काउट भी नॉकआउट हो चुका है। ऐश बचे, ऐश यहाँ पर मूवमेंट से एक नॉक करने के बाद वो M16 के साथ, फ्रैंकी ऊपर बहुत ही कम है चुके 7 बचे बट यहाँ पर क्या होगा हम सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यस यहाँ पे एश और फ्रैंकी दोनों एल के और पीछे से ब्रॉलर्स की टीम क्लोजिंग करी है 19 तो यहाँ पे एंड यहाँ पे गब्बर को स्पॉट किया एश ने एंड एलिमेंट को वाइप आउट किया एंड फनेटिक फिर से 4 किल अपने खाते में लिखते हुए आज फनेटिक हिल पिक ऑफ करते हैं कि नहीं। यहाँ पर स्काउट फिर से नॉकआउट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फ्रैंकी ने एक नॉक किया, फ्रैंकी भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे। एश इज द लास्ट एंड सोलो मैन सर्वाइविंग, यहाँ पर स्काउट को उसने रिवाइव दिया बट क्या स्काउट के पास हीलिंग्स वगैरह है वो देखना पड़ेगा। वहाँ पर एक गन है बट ये चाहे तो मेगा के दो प्लेयर्स को वो कर सकते हैं। पैडॉक्स ड्रिगर के बिल्कुल सामने है बट ट्रिगर डिड नॉट टेक शॉट्स एंड पैडॉक्स को पूरा एस्केप करने का मौका दिया। आई थिंक दैट इज वियर्ड, ये सबको रियलाइज करें कि एक टीम है जो उनपे क्लोजिंग कर रही है। यस जोनाथन इज मूव टेकिंग द चार्ज, जी गॉड वहां पे आइकॉनिक को पिकअप करते हुए, नियो वहां पे कंफर्म करते हुए एंड यहाँ पे टीएसएम पीएच फर्स्ट चुकी है ना 4v3 जीब्रा को बहुत ही प्यारा पिकअप किया जी गॉड ने एंड यहाँ पे जोनाथन के लेफ्ट से नोवा किंग आते हुए बट यहाँ पर जोनाथन का नेट अगर कनेक्ट होता है तो ज़ेब्रा एंड डार्क फिर से नॉकआउट हो सकते हैं। नोवा किंग के सामने यहाँ पर घातक है, नोवा यहाँ पर घातक को ऑलमोस्ट नॉक किया, नॉकआउट कर चुका बट नोवा भी बचेगा नहीं। जोनाथन के कवर फायर में वो भी नॉकआउट हो चुके हैं, यहाँ पर डार्क बचे इज इन फुल एचपी बट नोवा ज़ेब्रा हील करके आ जाएंगे। उसके पास भी 2v4 का 2v3 का सिचुएशन है एंड पीछे से ओआर यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह दूर से बैक स्टेप कर सकते हैं। वहाँ पर ओआर के मवी ने शोमिल को नॉक किया, निश्चय गेम से बाहर भी निकालते हुए डार्क के ऊपर स्प्रे आते हुए डार्क के ऊपर नॉकआउट हो चुका है। और ज़ेब्रा इज द लास्ट मैन एंड ज़ेब्रा के लिए ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है, नहीं लग पाया। एक नॉकआउट किया, बहुत ही प्यारा नॉक था राइट पे बट यहाँ पर जोनाथन के हाथ में शिकार हो जाएगा ज़ेब्रा। यहाँ पर 2v4 देखने को मिला, दो पोजीशन में सेल्स है, एक ही पोजीशन में एक नेट से पूरा का पूरा स्क्वाड खत्म हो सकते हैं इस पर में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स वर्सेस एमजी जेड एंड सेल्स के प्लेयर्स यहाँ पे नॉट, आई थिंक एमजी जेड के प्लेयर्स को पुश करना चाहिए। डू वहाँ पे पुश करते हुए रॉक्स को पिक ऑफ करेंगे एंड आई थिंक यहाँ पे एमजी जेड इस फाइट में कुछ किल्स कंफर्म करेंगे। डू वहाँ से आते हुए एस के मन वहाँ पे शॉट लेने की कोशिश जिगल कर रहे हैं पर नो, यहाँ पे ऑब्वियसली एमजी जेड हैज अ ह्यूज एडवांटेज। कौन मार रहा है इतना जल्दी, हर एक चीज हो रहा है।
बट वो मॉली कनेक्ट नहीं वहाँ पर, अकेले बंदे बचे हैं, तीन बंदे भी बचे हैं, मेरे से तो इसके नॉक किया, मेरे से के एक और बंदे को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया गया था, आदित्य यहाँ पर अच्छे खासे इसके है, पर उसके टीम को यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह लगाना पड़ेगा, मेगा स्टार को स्क्वाड यहाँ पर पुश कर रहे हैं, दो बंदे नॉक है, पैड ऑफ यहाँ पर अपने टीममेट को नहीं रिवाइव दे रहा, आई थिंक वो हिल वगैरह करेगा, इनकोर को रिवाइव दे दिया गया है, इनकोर यहाँ पर रिवाइव हो चुका है, यहाँ पर वेक्सी को बचाने के लिए स्मोक बनाया जा रहा है, यहाँ पर ओवर का स्क्वाड अभी भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, दोनों स्क्वाड को भी बैक स्टेप कर सकते हैं इस पोजिशन में। यप आई गेस यहाँ पे काफी बेहतरीन गेम प्ले दिखाया है एंड यहाँ पे ओआर ने थर्ड पार्टी किया मेगा को, पर यहाँ पे ब्रॉलर से काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया, अगर आपने देखा किस तरह से दोनों तीनों प्लेयर्स एक दूसरे को कवर फायर दे रहे थे, दे मैनेज टू नॉक आउट मेगा के प्लेयर्स काफी लो भी किया बाकी प्लेयर्स को, यहाँ पे ओआर ने बहुत ही खतरनाक थर्ड पार्टी किया एंड यहाँ पे लोग टारगेट करेंगे, आदित्य ने वहाँ पे ओआर के दलजीत को भी पार्टी को नॉक किया एंड ब्रॉलर्स गेटिंग देयर ग्रुप बैक, वहाँ पे वीरू ने मेगा ऑनकोर को पिकअप किया, एंटो का बहुत ही प्यार पैराडॉक्स को कंप्लीट करने के लिए, नाउ इट्स अ 3v4 सिचुएशन फॉर ब्रॉलर्स वर्सेस ऑरेंज रॉक, अगर ब्रॉलर्स यहाँ पे ये स्क्वाड वाइप कर देती है स्पार्की भाई देन ब्रॉलर्स को किल्स मिलेगा, उसके साथ ही साथ उनको बूट कैंप से एग्जिट करने का और अपने लिए जोन में एक अच्छा स्पेस बनाने का बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यह बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे 7S 0 किल्स के साथ एंड 7S थोड़ा बदलते हुए थोड़ा सा पैसे ऊपर पे जाते हुए, पर नहीं VSG रुकने वाले टीम में से नहीं दिख रहे हैं, VSG यहाँ पे पुश करते हुए नेट जाते हुए एंड 7S ने मनु को वहाँ पे पिक ऑफ किया एंड बहुत ही क्विक वाइप किया, वैसे अगर आप देखो तो VSG ने और लेकिन टीम के ऊपर 5 किल के साथ है, वो लोग भी जोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर क्रॉन्टन ने एक प्यारा नॉक पिक ऑफ किया इवो के ऊपर, गेट के भी किया जा रहा है, अभी को भी नॉकआउट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुका था, 19 बुलेट अगर चला देते तो अभी भी वहाँ पर नॉकआउट हो सकता था, अभी यहाँ पर प्लेयर जोन के हाथ में नॉकआउट नहीं एंटो के हाथ में नॉकआउट हो चुका है एंड गॉड लेक जोन के अंदर जाते हुए यहाँ पे गिल एंड क्रॉन्टन दोनों ही नॉकआउट हो चुका है, द डूड वहाँ पर आईडी के क्रेटोस को नॉक किया, गिल को ऊपर इससे क्लियर आउट भी कर दिया गया, क्रेटोस अपने आप पे लेट कर दिया है, पर बोम टॉप के पीछे से वासु को नॉक, सिनर्जी टीएन वहाँ पर आईएनडी स्लेयर के हाथ पे नॉकआउट हो चुका है, गॉडलेक का स्क्वाड है पर अच्छे खासे पोजीशन में है बट आईएनडी के लिए भी बैक स्टेप आ रहा है तक भाई। या बिल्कुल सही कहा आपने, आईएनडी भी वहाँ पे बैक स्टेप पूरी आवाज आएंगे, आईएनडी प्लेयर यहां हीलअप हो जाएंगे, फिलहाल में आईएनडी नहीं होगा पर जोन कुछ 20 सेकंड में इनको मूव इन करना होगा जोन में, दैट कुड बी अ टास्क, वहां पे बोथ ऑफ जोन के बाहर से आ रहे हैं, वहां पे स्नैक्स को जोन के बाहर से एलएसके बोर्ड पे नॉक किया, बहुत ही बेहतरीन रिफ्लेक्सेस का प्रदर्शन बट इवेंचुअली ही लॉस्ट टू जोन एंड यहां पे एमजीजेड पे पुश करके टीएसएम की स्क्वाड, एमजीजेड सर्वाइविंग विद 5 किल्स एज ऑफ नाउ, टीएसएम पे कंप्लीट जोन एडवांटेज, ओआर की टीम, गॉडल की टीम, एमजीजेड की टीम, आई थिंक टीएसएम और गॉडल सॉरी टीएसएम और ओआर आर द ओनली टू टीम्स विद 4 मैन अलाइव यहाँ पर, अगर आप वीरू ने एक नॉक पिक किया, अभी गॉडले के ऊपर पूरा पुश किया जाएगा, ओआर के पास 11 किल आ चुके हैं, ओआर आर गोइंग फॉर सेकंड नंबर, दैट डूड ने आईएनडी स्नैक्स को नॉक किया, वीरू यहाँ पर टीएसएम नियो के हाथ पे नॉकआउट हो चुका है, दलजीत भी वहाँ पर 1 HP है, यहाँ पर वो मैं भी क्लोजिंग करते हैं, बट मैं भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं, एंटो जोन के बाहर से आ रहा है, उसको हिल बैटल करना पड़ेगा, ओआर का ये पुश गलत हो गया, जैसे आप बोल रहे थे ओआर का पुश पे कभी कभी हम लोग गलती देखने को मिलते हैं, वही यहाँ पर देखने को मिला, स्पेशली आपने जो इस मैच से पहले ही बात बोला वही आपके सामने आ चुका है। या बिल्कुल सही कहा आपने, दिस इज समथिंग जो मैं नोट करता हूँ, यू नो एज इनसाइड टूर्नामेंट्स कास्ट करने का मौका करने का, सो ये एक ओवर का डेफिनेटली वीक पॉइंट रह जाता है, बट फॉर नाउ आई थिंक टीएसएम गोइंग फॉर अ इजी चिकन डिनर, वहाँ पे जी गॉड ने द डूड को पिक ऑफ किया, शेडो पे घातक भाई पुश करते हुए एंड यहाँ पे घातक का पुश आया एंड वहाँ पे घातक को नॉक किया शेडो ने, बट आई गेस जी गॉड सामने होल्ड कर रहे हैं तो जी गॉड शायद नेट कुक कर रहे होगा एंड यहाँ पे यस एंड नेट कमिंग इन शेडो को नॉक करने के लिए, वहां से जी गॉड आते हुए एंड शेडो को कंफर्म करेंगे एंड घातक को फिनिश कर दिया, आई थिंक डेट वो फिनिश पीछे से हुआ, ब्लीड आउट हो गए, तो यहाँ पे इट्स अ 3v1 सिचुएशन, गॉडल हस्तर वर्सेस टीएसएम एंड आई थिंक टीएसएम डेफिनेटली गोइंग फॉर चिकन डिनर, यस ऑब्वियसली यस एंड TSM बहुत ही प्यारा चिकन डिनर एंड क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस TSM से हमें देखने को मिल रहा है पूरे टूर्नामेंट में, कमिंग अप विद 13 किल्स इन दिस गेम, गॉडल सेकंड विद 8 किल्स, एमजीजेड थर्ड विद 8 किल्स एंड ओआर विद 10 किल्स 11 किल्स एज वेल, सो आई बिलीव सॉरी 12 किल्स एंड आई गेस क्या इस पूरे टूर्नामेंट में स्पार्की बाय TSM गॉडल और ओआर एंड VSG ये चारों टीम बहुत ही कंसिस्टेंट।